नेक्स्ट 9 न्यूज, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज का ये हमारा खास कार्यक्रम किस राजनीति का, जहां हम स्वागत करने वाले हैं आप सबके बीच, यहां पर आप सबका जो सुन रहे हैं हमें, बिल्कुल किस राजनीति का ये शो, जहां हम बात करते हैं हमेशा किस्से के बारे में, राजनीति के वो किस्से जो कि आज भी राजनीति के मंच में सबसे ज्यादा राजनीतिक चेहरों के लिए सवालों पर बने रहते हैं। आज के जो किस्से हैं वो किस्से अगर बात की जाए तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयानों से जुड़ा। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान बिल्कुल सही साबित होते हैं, चाहे वो राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के विरोध में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2020 से लेकर साल 2022 तक तमाम ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं जिसमें वो साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के फैसले जो हैं युवा लीडर्स के हमेशा विरोध में रहे हैं। सवाल खड़ा होता है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट के साथ अपने पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए जागरूक करने की वो कोशिश कर रहे हैं सचिन पायलट को कि वो ये सपने ना देखें कि कहीं भी कांग्रेस पार्टी उनके साथ वरिष्ठ नेताओं के विरोध में खड़ी रहेगी। आज अशोक गहलोत से ज्यादा सचिन पायलट को राजस्थान में तवज्जो नहीं दिया जा रहा, चाहे 2 साल गुजर गए हो सचिन को अपना पद छोड़े हुए। तो सचिन के साथ सोनिया और राहुल ने धोखे किए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व की जब बात होती है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ने वाले राहुल विदेशी दौरे में वक्त गुजारते हैं, नेतृत्व पर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस को इसकी परवाह नहीं है, युवा लीडर्स की कांग्रेस पार्टी को परवाह नहीं है, चाहे वो हाईकमान सोनिया गांधी हो या फिर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी है, उन्हें परवाह नहीं है कि कांग्रेस की युवा लीडर्स कांग्रेस से निराश है। अब यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस छोड़ने की वजह बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ये तो जानकारी दे ही चुके हैं कि कैसे उन्होंने खुलकर कांग्रेस छोड़ने के पीछे का कारण बताया था। वजह थी कि वो बहुत ही हताश थे, निराश थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के फैसले से, क्योंकि युवा लीडर्स के लिए वक्त कभी उन्होंने नहीं दिया, युवा लीडर्स को वो मौका नहीं दिया जो वाकई में जायज था। अब यहाँ पर आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने भी कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ सकते हैं, इसकी चर्चा 2020 से जारी है। तो 2020 में ही कांग्रेस सचिन पायलट के साथ खड़ी नहीं थी। सचिन के स्टेटमेंट आने के बावजूद सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ सचिन को बीजेपी में आ जाना चाहिए इस तरफ इशारे किए, खुले तौर पर उनका स्वागत के लिए अपनी तरफ से बयानबाजी उन्होंने की। और 2022 में भी कांग्रेस के नेतृत्व पर सीधा सोनिया गांधी के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सवाल खड़े किए जब एयर इंडिया की स्थिति पर उन्होंने बात की थी संसद भवन में। तो आज वो किस्सा आपको बताएंगे जब सिंधिया खुलकर कांग्रेस के नेताओं के विरोध में, खासकर गांधी परिवार के विरोध में बोलते नजर आए, जिसका जिक्र आज फिर हो रहा है क्योंकि हार्दिक पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि सुनील जाखड़ ने भी इस्तीफा दे दिया है। कहीं ना कहीं सिंधिया की बातें सही साबित नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के हालात जो है, कांग्रेस पार्टी के हालात देश भर में एक बार फिर से और कमजोर नजर आ रही है। इतने ज्यादा बैठक के बावजूद कोई भी फैसला सचिन को लेकर नहीं हुआ, ना ही राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर अशोक की जगह सचिन को बैठाने की बात आगे बढ़ पाई, और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर गांधी परिवार से हटकर कोई दूसरा चेहरा अभी तक सामने आया। तो सुनते हैं सिंधिया की वो बातें जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को याद दिलाएगी कि क्यों उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया था। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, किस्सा राजनीति का इस शो में हम आप सबके बीच बात करने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के उन बड़े बयानों के बारे में जिसके कारण आज कांग्रेस की ये हालत नजर आ रही है। हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया, सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन के बीच ये लड़ाई लगातार जारी है। तो सचिन को भी भड़काने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रयास जारी कर दिया था 2020 से ही, हम बात करना चाहेंगे, ये प्रयास शुरू हुआ था जब डिप्टी सीएम का पद सचिन पायलट ने छोड़ा और अशोक गहलोत के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। सचिन पायलट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उस पावर में रहने का फायदा ही क्या, जब पावर में रहकर पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कल्याण जनता की कल्याण के हित में काम नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको बता दें कि पायलट गुट को लेकर सचिन पायलट ने कहा था कि टीम को जब परमिशन ही नहीं है काम करने की तो क्या फायदा ऐसे पोजिशन का, इसलिए पोजिशन छोड़ा है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। सोनिया गांधी अशोक से वो नाराज
नाराज नजर आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तभी हमला किया था राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर। ये आपको बता दे, ये किस्सा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी को निशाने पर लेते नजर आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था, कांग्रेस नई सोच विचारधारा को अपनाने से गुरेज कर रही है, यानी कि युवा नेताओं को वो मौका नहीं दे रही। बिल्कुल सचिन के लिए ही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोले थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी में सचिन एंट्री कर जाए उसी वक्त चर्चा हो रही थी। बीजेपी में सचिन की एंट्री को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का इशारे इशारे में स्टेटमेंट था कि वो उनके लिए फायदेमंद होता क्योंकि कांग्रेस में युवा नेताओं को जगह नहीं दी जाती। अब देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर अशोक को बैठाया गया और सचिन को नहीं बैठाया गया और सचिन ने डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ दी और इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्टेटमेंट चर्चा आ गया था। उन्होंने कहा कि युवा नेताओं को जगह नहीं दी जाती। राहुल गांधी की विफलता और विश्वस्तता दोनों की कहानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयां की थी, जो कि खुद कांग्रेस छोड़कर आ गए थे बीजेपी में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी भ्रष्टाचार के आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगाए थे। मंदसौर में किसानों पर हमले को लेकर उन्होंने तमाम चर्चा बताई थी। पीएम मोदी की जमकर तारीफ करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भविष्य दृष्टा उन्हें बता दिया था। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस वास्तविकता से भटक चुकी है कह बैठे थे। नई सोच और विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है पार्टी में, ये बताया जा रहा था कि सचिन को कभी भी स्तर पर ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर युवा लीडर को बैठाया जाएगा, ना तो मुख्यमंत्री के तौर पर युवा लीडर को बैठाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। यानी सचिन के साथ सोनिया गांधी के धोखे पर इशारा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था ये भी खुलकर कि बीजेपी का दामन थामने का फैसला परिस्थिति देखकर लेना पड़ा। राहुल गांधी की टोली के सशक्त नेता रहे सिंधिया ने कांग्रेस की दशा से निराश और हताश होते हुए कहा था जमकर कि पार्टी ने किनारा लगा दिया था। नई सोच से मतलब नई पौध से ही है, यानी कि युवा लीडर को जगह नहीं दी जाती थी। सीधा हमला कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर था, बुजुर्ग नेताओं पर था, गांधी परिवार पर था, G23 गुट के नेताओं पर था, अशोक गहलोत जैसे बड़े दिग्गजों पर था। तो उनसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा था कांग्रेस में युवा नेतृत्व को अलग थलग करने की ओर सीधा बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी के रहते ये सब हो रहा है, सिर्फ राहुल गांधी ही इस तरह से कर रहे हैं। और तो और मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को लेकर भी उन्होंने अपनी बात जाहिर की थी और ये भी बताया था कि मीटिंग के बावजूद जिस तरह से हालात कभी नहीं सुधरे हैं, इसकी वजह ये थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जानते थे कि अच्छी तरह से यहाँ पर इस पार्टी का नुकसान क्यों हो रहा है। सिंधिया ने ये भी कह दिया था कि किस तरह से बात बार बार इनके सामने आते हैं। सिंधिया ने कहा था कि सोनिया और राहुल कभी भी बदलाव को लेकर नहीं बात कर पाते, कांग्रेस कभी सकारात्मक सोच ही नहीं पाती, सिर्फ विपक्षों पर हमला करती है और इसलिए कांग्रेस के लिए ये कहना बहुत तकलीफ देता है कि वो कभी आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं पाती। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल 2022 में भी बीजेपी की भारी 5 राज्यों में भारी जीत पर कहा था खुलकर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस पर जो हमला बोला था वो आपको बता दें, एयर इंडिया की दुर्दशा के पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। उन्होंने कहा था कि यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में फैसले जो थे जिसके कारण एयर इंडिया के लगातार घाटे में डूबने का नतीजा सबके सामने आ चुका है। उड़ान मंत्री होने की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। मोदी सरकार के फैसले को सही बताया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो हमला करने का यह सिलसिला सिंधिया ने 2022 में भी नहीं छोड़ा, 2020 में तो उन्होंने शुरुआत कर ही दी थी। आंकड़ों के साथ सिंधिया ने कई तरह के दावे किए थे जिससे कहीं ना कहीं आहत सोनिया गांधी तो हुई ही होंगी।